हेलो दोस्तों, आप सभी का दिल से स्वागत है मेरे चैनल आई एम मुझे पे। आज मैं आप सभी लोगों के साथ जिस चीज की रिव्यू शेयर करूंगी वो है ओशिया हर्बल का टर्मरिक क्लींजिंग लोशन एनरिच विद टर्मरिक फॉर नॉर्मल टू ड्राई स्किन। ये बोलता है कि 2 इंटू क्लींस करता है आपकी स्किन को, यानी कि दुगना क्लींस करता है। ये डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, वेगन प्रोडक्ट है, 120 ml का आता है। 225 की इसकी प्राइस है और 3 साल की इसकी सेल्फ लाइफ है। आप इसे फ्लिपकार्ट और या तो फिर इनकी ओशिया हर्बल की वेबसाइट से परचेस कर सकते हैं। सो ये क्लेम करता है कि आपके स्किन को जो ड्राई स्किन की क्लींजर है, ये ड्राई स्किन पे बहुत अच्छे से काम करेगी, स्किन को स्मूथ करेगी जेंटली और मेकअप को काफी अच्छे तरीके से रिमूव करेगी और आपकी स्किन को इलास्टिसिटी को काफी अच्छी रखेगी, एक फेयरर इफेक्ट देगी, मॉइस्चराइज रखेगी। सो ये क्लेम करती है। और इंग्रेडिएंट्स लिस्ट, ओ माय गॉड, ये मैसिव डेंजर है क्योंकि इसमें वही लिक्विड पैराफिन आती है, उसके बाद इस पे लाइक पैराबिन्स आते हैं, पैराफिन भी आती है और पैराबेन भी आते हैं और अल्कोहल भी आते हैं, सिटाइल अल्कोहल। तो मैं वही कहना चाहूंगी कि आप कोई भी प्रोडक्ट पे जितने भी अच्छे इंग्रेडिएंट्स क्यों ना डाल दो, उसके बाद अगर आप ये सब डालते हो, पैराबेन, पैराफिन, अल्कोहल, सो वो सारे अच्छे इंग्रेडिएंट्स डालने की कोई मतलब होती नहीं है। सो ये बिल्कुल सिंपल पैकेजिंग में आता है, एक सिल्वर लाइनिंग है इसके कैप के ऊपर, नॉट सो अट्रैक्टिव, मैं इसे कह सकती हूँ नॉट सो अट्रैक्टिव। सो ये कुछ इस तरह का है और ये अंदर से पम्प डिस्पेंसर है, आप देख सकते हैं। ओके, तो ये कहता है कि ये मेकअप को काफी अच्छे तरह से रिमूव करते हैं। सो एक टेस्ट मैं आपको दिखाती हूँ। तो मैंने यहाँ पे लैक्मी का 9 to 5 वाला जो प्राइमर एंड मैट वाला लिपस्टिक है, मैंने वो लिया है और अब देखें। तो मैं यहाँ पे थोड़ा अच्छा से डीप करके लगाती हूँ, सिर्फ ऐसे नहीं कि मैंने 1 स्ट्रोक कर दिया। तो मैंने यहाँ से 3 से 4 स्ट्रोक किए हैं अपने हैंड पे। अब देखती हूँ कि ये किस तरह का क्लीन करता है। सो मैंने यहाँ पे 2 पम्प लिए हैं और सर्कुलर मोशन पे मुझे इसे क्लीन करना है। सर्कुलर मोशन पे मैं इसे घुमाती रहती हूँ और निकलता हुआ तो दिख रहा है, आप देख सकते हैं। और इसे डैम कॉटन या वाटर से निकालना है। सो वाटर नहीं, मुझे डैम कॉटन ही ज्यादा बेटर लगता है। और तो मैं अब कॉटन ले लेती हूँ, डैम कॉटन जो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी भिगा के रखा हुआ है, और इसे निकाल के देखती हूँ। तो मैंने यहाँ पे ज्यादा प्रेशर भी क्रिएट नहीं किया, एकदम सॉफ्टली मैंने इसे निकाल लिया है और आप देख सकते हैं रिजल्ट आपके सामने है। यू कैन सी इसने काफी अच्छी तरीके से रिमूव कर दिया है और कुछ भी नहीं है हैंड पे, और जो भी हल्की सी भी एकदम नहीं बराबर दिख रही है। सो ये हाँ मेकअप को काफी अच्छी तरीके से रिमूव करता है, ये मैंने आपको दिखा दिया ऑलरेडी। और ड्राई स्किन को भी इससे क्लींस करने से काफी अच्छी इफेक्ट मिलती है, जो ड्राइनेस होती है वो कैटर हो जाती है, दूर हो जाती है। सो ये जो क्लेम करती है वो ये 100% करती है, जिसमें कोई शक नहीं है। बस हाँ, इलास्टिसिटी स्किन और फर्मनेस जो है उस पर ये काम नहीं करती है, अदरवाइज ये जो क्लेम करती है वो 100% पूरा करती है। बट इसकी जो इंग्रेडिएंट्स लिस्ट है वो मुझे मैसिवली डेंजर लगी है। सो इसकी वजह से मैं इसे सिर्फ 10 में से 6 दूंगी, 4 मैंने इसके इंग्रेडिएंट्स लिस्ट की वजह से कट कर दिए हैं। सो आज ये छोटी सी इन्फो थी आप लोगों के लिए, अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को जरूर हिट करें। थैंक यू सो मच।